दस समांतर प्लेट संधारित्र में आप सभी लोगों ने देखा कि दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहता है और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर ही रखी रहती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक पर प्लस और एक पर माइनस है तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, आकर्षण का बल लगेगा। प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और माइनस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो आज हम ये पढ़ने चल रहे हैं कि प्लस और माइनस प्लेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो कितना लगेगा फोर्स, इसे हमें स्टडी करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया। आप सभी जानते हैं एक साइड से इस पे हम चार्ज देते हैं और दूसरी जो प्लेट हमारी होती है उसे हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। और आप सभी बच्चों को याद होगा अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, क्योंकि अर्थ का साइज इतना बड़ा है, किसको हम चाहे जितना चार्ज देते रहें इसका पोटेंशियल कभी भी बढ़ता ही नहीं है, तो पोटेंशियल इसका जीरो रहता है। अब इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस प्लेट पर उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों के बीच में फोर्स लगता है, इसको हमने क्यू चार्ज दिए, इंडक्शन से क्यू चार्ज इधर आ गए, पॉजिटिव इधर गए, लेकिन पृथ्वी से जुड़ने की वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गए। ओके, अब हम देखना चाहते हैं फोर्स कितना लगेगा। ध्यान से बेटा सभी देखेंगे, ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हम स्मॉल डी मान लेते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर है वो हम कैपिटल वी मान लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल। ओके, लेट चार्ज गिवेन, दिया गया चार्ज, हमने कितना चार्ज इसको दिया, क्यू चार्ज दिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मान ली, एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर प्लेट का क्षेत्रफल हमने कैपिटल ए मान लिया, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर हमने वी मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, इज इक्वल टू ई। इतनी चीजें हमने मान ली, हमने चार्ज दिया Q, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d, हर प्लेट का एरिया कैपिटल ए, दोनों प्लेट्स के बीच के विभव में अंतर कैपिटल वी, और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैपिटल ई, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर उसकी डायरेक्शन रहती है। अब मैं आपको बताऊँ कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें, इनमें से एक प्लेट है ये जिस पे चार्ज है और ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, प्लेट की एक सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। सपोज दिस इज प्लेट नंबर वन एंड दिस इज प्लेट नंबर टू,
तो प्लेट नंबर वन की ये सरफेस अपने ये सरफेस पर चार्ज है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। एक प्लेट ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ओके, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरी प्लेट पर माइनस चार्जेस हैं, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो रखे हैं भाई। इसने अगर यहाँ तक बनाया तो ये उसके अंदर आ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इन चार्जेस पर कितना फोर्स लगेगा हमें ये कैलकुलेट करना है। इसमें कितने चार्जेस होंगे, इसमें भी क्यू चार्जेस होंगे, जितने इसमें उतने इंडक्शन की वजह से इधर की तरफ खींच लिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ प्लेट एक की, एक सरफेस पर ही चार्ज है ना केवल, दोनों सरफेस पर तो नहीं है। तो प्लेट एक की एक सरफेस पर उपस्थित प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट एक की प्लेट एक के एक पृष्ठ पर उपस्थित एक प्लेट पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण उससे डी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उससे डी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू प्लेट एक के एक पृष्ठ पर ये जो प्लस क्यू चार्ज मौजूद है इसकी वजह से डी डिस्टेंस पर, दूसरी प्लेट इससे डी दूरी पर है ना, तो डी डिस्टेंस पर मतलब इसकी वजह से यहाँ पर इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बेटा याद करिए फॉर्मूले, ये सब आपको बताए जा चुके हैं। सरफेस ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से डी डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी इन प्लेट वन। हम चाहें तो इसको भी कहीं नोट कर सकते हैं, यही नोट कर सकते हैं, वेयर सिग्मा प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व, ये सिग्मा यहाँ पर आ गया। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस सरफेस की वजह से, यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये चार्ज है, तो इस चार्ज पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। अब प्लेट दो पर उपस्थित प्लेट दो पर उपस्थित आवेश माइनस क्यू पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण किस विद्युत क्षेत्र के कारण इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला विद्युत बल। बेटा आप सभी जानते हैं कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर Q चार्ज रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल का एक फॉर्मूला होता है Q इंटू E। तो लगने वाले विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू E, Q की वैल्यू तो Q ही है, E की जगह पर हम नोट कर सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, F इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो यहाँ पर बचा, बेटा आप सभी लोग सिग्मा की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हैं, Q अपॉन A होती है सिग्मा की वैल्यू,
पृष्ठ आवेश घनत्व तो है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा की वैल्यू लिखूंगा तो Q अपॉन A लिखना पड़ेगा मुझे, 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पर मैं लिख दूंगा Q अपॉन A। ओके, देन F विल बी इक्वल टू 1/2 Q स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये दोनों प्लेट्स के बीच लगने वाला फोर्स आ गया, इतना आकर्षण बल लगेगा। एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव है, तो सेवरली द नेचर ऑफ द फोर्स विल बी अट्रैक्शन। ओके, सो दिस मच फोर्स विल बी अप्लाइड बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, अब हम चाहें तो क्यू की वैल्यू को भी फोर्स के और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, इनमें से जो भी क्वांटिटीज आई हैं इनकी वैल्यूज लिख लिख करके यहाँ पर और देखिए। बट Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, हम चाहें तो Q की जगह सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। Therefore F इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वेयर, Q स्क्वेयर मीन्स सिग्मा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सिग्मा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। हम ए से इसकी एक पावर को कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, और देखें, हाँ एक चीज़ आप और जानते होंगे, ये जो दोनों प्लेट्स हैं एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, जब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो और दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखी हों, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये आती थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से एक सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर दो सरफेसेस हैं अपोजिट चार्ज की तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप सबने इसे कैलकुलेट किया है। यहां से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूंगा तो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, हम ये वैल्यू यहां पर अप्लाई कर देंगे। ओके, देयर फोर्स फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी 1/2 सिग्मा स्क्वेयर, सिग्मा स्क्वेयर मीन्स ई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन, एप्सिलॉन नॉट से भी इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बचेगा, दिस विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर इंटू ए। ये भी फोर्स का एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में आ जाएगा आपका। तो आप ध्यान से देखें बेटा, जब समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट्स एक दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखी होती हैं तो उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स कितना होता है 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, इतना भी होता है। और अगर इनमें थोड़ी सी वैल्यूज अप्लाई कर दें हम तो उनके बीच लगने वाला फोर्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर इनटू ए के बराबर भी होता है। हम चाहें तो इनकी जगहों पर और भी वैल्यू लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी अपॉन डी। आप सभी ने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पर बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा, ई बराबर डी वी अपॉन डी आर। इसमें नेगेटिव साइन होता था, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ ई। ओके, डी वी विभवांतर, डी आर उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिनके बीच का विभवांतर वी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ई की वैल्यू क्या होगी, दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर वी है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी d है, तो हम चाहें तो हम E इज इक्वल टू V अपॉन d लिख सकते हैं, डायरेक्शन हम नहीं ले रहे हैं। अगर हम यहां पर ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे
तब फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर मीन्स वी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर इंटू ए, ये भी फोर्स का एक फॉर्मूला बेटा आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना कि हम लोग बहुत सारी वैल्यूज़ हम रख के उसके बारे में उसके फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हम चाहते तो यहाँ Q की जगह कैपेसिटर के लिए Q का हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, Q इज इक्वल टू C इंटू V। हम चाहें तो यहाँ Q की जगह C इंटू V लिख दें तो फोर्स का एक फॉर्मूला C और V के टर्म्स में भी आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम उनको चेंज कर करके बहुत सारे फोर्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। आप चाहें तो बना लीजिएगा, क्या मैंने बताया, वैसे तो मैंने बना दिए हैं, अगर आप चाहें तो एक और यहाँ से बनाइएगा। Q की जगह पे क्या लिखना है आपको, C इंटू वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, देन क्यू इज इक्वल टू सी वी, वो यहाँ पर आप लिखेंगे और एक फॉर्मूला और आपको फोर्स का मिल जाएगा। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच लगने वाले बल के बारे में देखा हुआ। अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा समांतर प्लेट संधारित्र को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी हम ये समझ नहीं पाए कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये अपने अंदर स्टोर करता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस समांतर प्लेट संधारित्र ने अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी है, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मींस समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें बेटा, बड़ा आसान है इसको कैलकुलेट करना। आप याद करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमने एनर्जी फाइंड आउट करने का क्या मेथड यूज़ किया था, पहले भी हम लोग इस लेसन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर चुके हैं, और आप याद करें कि उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ था। दिस इज अर्थ, इसी को हम कहते हैं कि हमने सेकेंड प्लेट को बॉडी कर दिया है, एंड द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ज़ीरो। यहाँ पर इस प्लेट को हमने चार्ज दिया है और इस प्लेट से डी डिस्टेंस पर एक दूसरी प्लेट हमने रखी है, विच इज़ द सपोर्टिंग प्लेट, जो कि पहले प्लेट को सपोर्ट करती है। किस काम में सपोर्ट करती है, ये ज़्यादा चार्ज हम इसमें एकत्र कर सकें इसके लिए इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करती है। सो दिस प्लेट इज नोन एज द सपोर्टिंग प्लेट। ओके, इस प्लेट का पोटेंशियल होता है V और इस प्लेट का पोटेंशियल होता है 0 volt, बिकॉज दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ and the potential of earth is equal to zero, so the potential of this plate will be also zero। और इस plate का potential, क्योंकि हम इस पर charge दे रहे हैं, इसका potential लगातार increase होता है और वो potential कहाँ तक पहुँच जाता है, sorry V volt तक पहुँच जाता है। okay, अच्छा मैंने आपको बताया कि याद करें इस lesson में electrical energy find करने के लिए हमने energy का क्या फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, थोड़ा सा याद करें। हम करते ये थे कि एक चार्ज पार्टिकल को लीजिए, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलाइए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अपोजिट डायरेक्शन में चलाने के लिए हमको जितना वर्क करना पड़ता था वही उसके एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता था। सभी बच्चों को याद आ गया होगा, हम पहले भी इस फॉर्मेट को दो बार यूज़ कर चुके हैं।
आज भी इसकी एनर्जी पता लगाने के लिए दैट हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम यही काम करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, इस प्लेट पर हम एक चार्ज को लेंगे, सपोज दिस इज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ओके। इस चार्ज को हम यहाँ पर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप तो जानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होती है, ओके। या इस पर जो चार्ज है इसी को मान लीजिए कि इधर से हम इधर तक यहाँ तक लाएंगे, तो इस पर कितना चार्ज है, इस पर चार्ज है नेगेटिव क्यू, चार्ज क्यू, क्वांटिटी क्यू है, नेचर उसका नेगेटिव है, मैं यहाँ पर क्यू ऐसे लिखे ले रहा हूँ। अब मेरा काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर है, बट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे हम चार्ज को चलाते हैं। तो इस प्लेट पर जो चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, इसको हम इधर से चलाते चलाते यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, चलाते चलाते यहाँ तक ले आएंगे, और उस समय जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। समझ आ गया होगा सभी बच्चों को, ओके। अब हम कैलकुलेट करते हैं, सो द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यू, एनर्जी को हम यू से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज कैपिटल यू, किसके बराबर होगी, वर्क डन, कौन से वर्क डन, चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो जितना भी वर्क होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर एकत्र हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट करते थे, थोड़ा सा बेटा याद करिए, उसका एक फॉर्मूला होता था माइनस क्यू इंटू ई इंटू डी आर, जब हम अनंत से और यहाँ तक लाते थे तो हम लिखा करते थे फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, लेकिन आज हम कहाँ से कहाँ तक लाए हैं, आज हम यहाँ से यहाँ तक लाए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस प्लेट से इस प्लेट की डिस्टेंस कितनी थी, डी, इसका मतलब हम डी दूरी से स्टार्ट किया हमने और इस प्लेट तक ले आए, जीरो डिस्टेंस तक ले आए, तो डी दूरी से स्टार्ट करके जीरो डिस्टेंस तक लेके आए हैं हम। समझ आया सभी बच्चों को, फिर से देखें कि जब हम अभी तक कैलकुलेट करते थे तो अनंत से एक बिंदु ए तक लाते थे, आज हम चार्ज को कहाँ से लाए हैं, इस प्लेट से लाना शुरू किया जो कि इस प्लेट से डी दूरी पर थी, इसका मतलब हमने डी दूरी से लाना स्टार्ट किया है, तो फ्रॉम डी, और उसके बाद बेटा जब लाते लाते आप सीधे यहीं तक ले आएंगे तो इस प्लेट से इसी प्लेट तक की दूरी फिर कितनी होगी, जीरो, सो फ्रॉम डी टू जीरो, ओके। अच्छा, अब ये क्यू तो कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर फ्रॉम डी टू जीरो। अच्छा, इसके बाद आप इस ई की एक वैल्यू जानते हैं बेटा, बट ई इज इक्वल टू, ई की एक वैल्यू होती है माइनस डी वी इंटू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये ई की वैल्यू होती है। या आप एक काम कर लें, ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यहीं से आप इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लीजिए, इधर लेते आइए बेटा, देयरफोर ई इंटू डी आर विल बी माइनस डी वी, ओके। आप ध्यान से देखें, डी आर जब इधर ले आएंगे तो ई इंटू डी आर विल बी माइनस डी वी, अब ये हम ई इंटू डी आर की जगह नोट कर देंगे, देयरफोर एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर की जगह मैं लिख दूंगा माइनस डी वी, ओके, ई की जगह पर माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, बना रहने देते हैं इसको हम लोग, ये यू इज इक्वल टू
आप इस q को बाहर मत निकालिए, अभी इसको अंदर ही रहने दीजिए, q इंटू ई इंटू डी आर। तो जब हम इसको भी लिखेंगे तो ये भी बेटा आ जाएगा माइनस q, और e इंटू डी आर इसकी जगह पर लिख दिया माइनस डी वी फ्रॉम ओ फ्रॉम डी टू ज़ीरो था। ध्यान से देखें बेटा, पहले यहाँ पर डी आर था तो ये लिमिट डिस्टेंस पर बेस्ड थी, क्योंकि अब इंटीग्रेशन में डी वी आ गया है तो अब मुझे लिमिट पोटेंशियल की यूज़ करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ डिस्टेंस डी थी तो यहाँ डी डिस्टेंस का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। इस प्लेट से डी डिस्टेंस पर जो जगह है यहाँ पोटेंशियल कितना था, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पोटेंशियल है ज़ीरो वोल्ट, तो मैं यहाँ ज़ीरो लिख दूंगा। और ये डिस्टेंस ज़ीरो है मीन्स अब आप यहीं पर हैं, तो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल वी के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वी। ओके, अब एक काम करेंगे, माइनस और माइनस ये तो प्लस हो गया, क्यू की एक वैल्यू होती है सी इंटू वी, आप सबने इस लेसन में कैपेसिटर में पढ़ा हुआ है डी वी फ्रॉम ज़ीरो टू वी। मैं लिख देता हूँ कि मैंने क्यू का क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, सी इंटू वी फॉर्मूला क्यू का हमने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब सी आप तो जानते हैं, कैपेसिटर एक बार अगर बन गया फिर उसका सी कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी वी फ्रॉम ज़ीरो टू वी, वी डी वी का इसका इंटीग्रल क्या होगा, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, जब कभी x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर बाई टू, आप इंटीग्रेशन करके देखें ये वैल्यू मिलेगी। और वी डी वी का क्या होगा, अगर x डी एक्स का इंटीग्रल 1/2 एक्स स्क्वेयर हो सकता है तो वी डी वी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वी डी वी का इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 वी स्क्वेयर। बेटा लिमिट्स भी यूज़ करनी है फ्रॉम ज़ीरो टू वी, फ्रॉम ज़ीरो टू वी, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन। अब लिमिट्स अप्लाई करनी है मुझे, ये मैंने बताया कि यहाँ पर हमने इंटीग्रल का कौन सा सूत्र लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वी की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस, फिर उसी v की जगह लोअर लिमिट का यूज़ करेंगे। सो एनर्जी स्टोर्ड विल बी, ये 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, ज़रूरत नहीं है मुझे अंदर, मैं बाहर कर लेता हूँ 1/2 सी। अब सबसे पहले इस v की जगह मैं अपर लिमिट लिखूँगा, तो v की जगह v लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर ही बना रहेगा, माइनस हमने लगा दिया। अब इस v की जगह हम ज़ीरो लिखेंगे तो ज़ीरो स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की, जो प्लेटें हैं उनके बीच में इतनी एनर्जी स्टोर करते हैं हम लोग। आप याद रखें, जहां सी क्या चीज़ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और वी है समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। Where C is capacitance of PPC and V is potential difference between the plates. Okay? तो हमने यहाँ पर एनर्जी कैसे फाइंड किया बेटा, एनर्जी को हमने फाइंड किया एक प्लेट से Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में दूसरी प्लेट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही उस समांतर प्लेट संधारित्र में एकत्र स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ओके, हम चाहें तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि हमने ये कैसे फाइंड किया हुआ है। यहां पर मैं लिख दूंगा समांतर
समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में Q आवेश को ले जाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य ही समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाती है या हो जाता है। ऐसे वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक क्यू चार्ज को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाए, उस समय का हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया और जो भी वर्क मुझे मिला दैट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक बार फिर से मैं आपको इस डेरिवेशन को रिवाइज करा देता हूँ, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देख लें। माइनस इंटीग्रेशन क्यू ई डी आर, ये सभी बच्चे जानते हैं, एनर्जी के लिए पहले भी हम इसको यूज़ कर चुके हैं। और कहाँ से कहाँ लाएँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जब लाना शुरू किया तो जब यहाँ पर थे इसका मतलब हम इस प्लेट से डी डिस्टेंस पर थे, और जब यहाँ पर आ गए तो हम इस प्लेट से जीरो डिस्टेंस पर हैं। सो फ्रॉम डी टू ज़ीरो, क्यू की जगह क्यू, ई की जगह ई, डी आर की जगह डी आर, और ये तो वही लाइन है बेटा, तो हम चाहें तो इसको ना लिखें आप। हाँ, अब एक फॉर्मूला हम देखा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो E इंटू डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी वी। तो मैंने माइनस लिखा, U इज इक्वल टू माइनस माइनस क्यू, और E इंटू डी आर की जगह मैंने लिख दिया माइनस डी वी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जगह हो गया, क्यू की जगह वैल्यू होती है सी वी, वो हमने लिख दिया, डी वी की जगह डी वी। और हाँ, जब यहाँ डिस्टेंस थी तो लिमिट डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे थे तो लिमिट्स भी डिस्टेंस के लिए थी, जब यहाँ पर पोटेंशियल वी के रिस्पेक्ट में समाकलन करना पड़ेगा तो लिमिट भी पोटेंशियल की यूज़ करनी पड़ेगी। अब लिमिट हमने कैसे यूज़ किया, तो डी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना, यहाँ से डी डिस्टेंस पर पोटेंशियल, डी डिस्टेंस पर जो प्लेट है उसका पोटेंशियल जीरो वोल्ट है, तो हमने डी वाली जगह पर जीरो लिख दिया, और जो जीरो डिस्टेंस पर प्लेट है उसका पोटेंशियल वी वोल्ट है, तो जीरो वाली जगह पर हमने वी नोट कर दिया। इसके बाद क्यू की जगह सी वी, सी कॉन्स्टेंट ले लिया, वी इंटू डी वी, वी का इंटीग्रल वी स्क्वेयर बाई टू आ गया, टू बाहर हो गया, इसमें लिमिट अप्लाई कर दी और इस तरह से एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ सी वी स्क्वेयर। कैलकुलेट हमने कैसे किया, उसको हमने डिफाइन भी कर दिया है आपके लिए। ये अब हम चाहें, ये बेटा एनर्जी का एक फॉर्मूला है जो कि सी और वी के टर्म्स में है, क्योंकि हम सी के और भी फॉर्मूले जानते हैं, तो हम चाहें तो सी के और फॉर्मूले यूज़ करके, वी के फॉर्मूले यूज़ करके हम एनर्जी के और भी फॉर्मेट बना सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं और एनर्जी के दूसरे फॉर्मेट्स आप देखें जरा। हमने सी और वी आया है इस फॉर्मूले पे, बिकॉज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सभी बच्चे जानते हैं सी का एक फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी। अगर C का ये फॉर्मूला होता है Q अपॉन V,
तो फिर हम उस पर लिख सकते हैं therefore u is equal to 1/2 c की जगह लिखेंगे q upon v और उसके साथ में बेटा क्या है v square, तो हम इस जगह पर लिख देंगे v square, v से इसका एक v कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन गया 1/2 q into v। एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला ये भी है, आप याद रखिएगा। हम चाहें तो एक फॉर्मूला और इससे बना सकते हैं, बिकॉज v इज इक्वल टू, आप याद करें q बराबर सी वी, तो v बराबर q अपॉन c भी एक फॉर्मूला होता है। अगर q निकालोगे तो सी वी आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अब ये v की जगह पर अगर मैं लिख देता हूँ तो u का एक फॉर्मूला और बन जाएगा बेटा, 1/2 q की जगह हमने q लिख दिया, v की जगह पर q अपॉन c लिख देंगे। इस तरह से एनर्जी का जो फॉर्मूला बना दैट इज q स्क्वेयर अपॉन c, ये एनर्जी का एक तीसरा फॉर्मूला भी बन गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के अब तक हम लोग 3 बेसिक फॉर्मूला तैयार कर चुके हैं, ओके। कौन कौन से फॉर्मूले हैं मैं एक बार तीनों को एक ही जगह पर लिख देता हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यू इज इक्वल टू, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने बनाया था दैट वॉज हाफ सी इंटू वी स्क्वेयर, 1/2 हाफ सी इंटू वी स्क्वेयर। सेकेंड फॉर्मूला एनर्जी का जो हमने बनाया वो बनाया हाफ क्यू इंटू वी, एक तीसरा फॉर्मूला भी बनाया हाफ क्यू स्क्वेयर अपॉन सी, 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब इसमें से एक चीज़ बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है एनर्जी के लिए वो ये वाला है, दिस इज द वेरी मल्टीलैटरल फॉर्मूला। आप याद रखें इस फॉर्मेट को, फॉर्मूले तो एनर्जी के सभी हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, क्यों? थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, इसमें जो सी आ रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, आप याद करिए सी की वैल्यू क्या होती थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, अगर प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है तो ये सी की वैल्यू होती है। अब दोनों प्लेट्स का एरिया हम मेज़र कर सकते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं, एरिया भी मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट हमको मालूम ही है, तो अगर तीनों को मेज़र करके हम लिख देंगे तो हम किसको मेज़र कर सकते हैं, इसका मतलब हम सी को मेज़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी की वैल्यू कितनी है हम ये भी मेज़र कर सकते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में हम वोल्टमीटर लगा करके उसको मेज़र कर सकते हैं। इट मीन्स हम समांतर प्लेट संधारित्र में सी भी मेज़र कर सकते हैं, हम समांतर प्लेट संधारित्र में कैपिटल वी भी मेज़र कर सकते हैं, इसलिए सी और वी को मेज़र करके जैसे यहाँ लिखेंगे हमें एनर्जी का आंसर मिल जाएगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। अब आप बात करेंगे इनमें क्या प्रॉब्लम है, इनमें प्रॉब्लम बेटा दोनों फार्मूले में ये है कि दोनों फार्मूलों में क्यू आ रहा है चार्ज। और मैं आपको बता दूं, आज तक अभी हमारे पास ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है, ऐसा कोई युक्ति नहीं है जिससे डायरेक्ट मैं क्यू को मेज़र कर सकता हूँ। क्यू को मुझे हर वक्त कैलकुलेट ही करना पड़ता है, वी कांट डायरेक्टली मेजर द चार्ज इन अ प्लेट, कभी मेजर नहीं कर सकते हम, तो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं है, हमें उसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो क्योंकि क्यू को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, हमें कैलकुलेट ही करना पड़ रहा है, इसलिए इन दोनों फॉर्मूलों में क्यू आता है, इसलिए दोनों ही फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो ये है हाफ सी वी स्क्वेयर। तो आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, हमने समांतर प्लेट संधारित्र में कितनी ऊर्जा स्टोर होती है ये भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब इसमें एक छोटा सा आर्टिकल एनर्जी में बेटा और आता है,
एनर्जी डेंसिटी, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसे नोट कर लें। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मींस समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, आपको क्योंकि ये भी एक ऊर्जा है इसलिए सिंबल हमने यू ही रखा, लेकिन टोटल एनर्जी का सिंबल हमने कैपिटल यू बनाया था, तो एनर्जी डेंसिटी का सिंबल हमने स्मॉल यू बना लिया। क्या होती है ये ऊर्जा घनत्व? बहुत ही सिंपल है बेटा, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ही संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, आप ध्यान से देखें कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही उसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ओके, मैं नोट कर देता हूं यहां पे। समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ही समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि PPC समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। ऊर्जा घनत्व कहा जाता है, मींस मैं आपको बता दूं कि जैसे समांतर प्लेट संधारित्र का टोटल आयतन है 10, ओके? अब उसमें टोटल एनर्जी जो स्टोर है वो है 100 जूल। थोड़ा सा ध्यान से बेटा समझिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र में कुल कितनी ऊर्जा इकट्ठा है? 100 जूल। उसका वॉल्यूम टोटल कितना है? 10। अब अगर मैं पूछता हूं कि एक आयतन में कितनी ऊर्जा है, तो क्योंकि आयतन है 10, एनर्जी है टोटल 100, इसका मतलब 10 आयतन में 100 एनर्जी है। अब एक आयतन में कितनी एनर्जी होगी? तो 10 वॉल्यूम में 100 एनर्जी, तो 1 वॉल्यूम में कितनी एनर्जी? 100 अपॉन 10 करेंगे, 10 जूल एनर्जी आ जाएगी, 10 जूल पर मीटर क्यूब। तो ये जो 10 जूल, वो जो 100 थी वो टोटल एनर्जी थी, वो कैपिटल यू था, लेकिन जो ये 10 आया है लास्ट में 100 अपॉन 10 करने से, ये स्मॉल यू है, इसको हम उसकी एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहा जाता है, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, देयरफोर यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? यू का फॉर्मूला बनेगा कुल ऊर्जा, जिसे हम काहे से लिखते हैं, यू से लिखते आए हैं, अपॉन में क्या रहेगा? समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन, समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन। ओके, टोटल एनर्जी, अभी अभी आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे,
टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला है 1/2 CV2। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला हमने यहाँ नोट कर लिया। समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन बेटा क्या होगा? सभी बच्चे ध्यान से देखें, एक प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र में इधर होती है, एक प्लेट यहाँ पर होती है, उससे कुछ डिस्टेंस पर। इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज देते हैं, इसे अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है। प्रत्येक प्लेट का एरिया हम ए मानते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखें, एक प्लेट ये है, ए एरिया वाली एक प्लेट ये है, दोनों बीच का डिस्टेंस डी है। आपको नहीं लगता अगर इसको मैं घुमा करके ऐसा कर दूंगा ऐसे, तो ये एक बेलन बन जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं इसको ऐसा मिला भी दूं तो भी तो लगभग ये बेलन जैसा आपको दिखेगा। अगर मैं पूछूं इसका आयतन कितना है तो आप क्या बताएंगे? बेलन के आयतन का सबसे बेसिक फॉर्मूला मेंसुरेशन में आपको बताया जाता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अगर मैं प्लेट्स को ऐसा कर दूंगा तो इस समय आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? ए प्लेट्स का एरिया, और दोनों के बीच ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो बेटा ये जो डिस्टेंस है यही क्या बन जाएगी? ऊंचाई। तो A इंटू डी, प्लेट्स का क्षेत्रफल A और हाइट कितनी बन जाएगी? D। यही समांतर प्लेट संधारित्र का क्या होगा? आयतन होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र के आयतन के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? A इंटू डी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, दोनों प्लेट्स हैं A एरिया की, इनके बीच का डिस्टेंस D है। अगर आप ऐसा पलट के रख देंगे तो ये एक बेलन जैसा आपको दिखेगा, और बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, A इंटू डी। अब थोड़ा सा और कैलकुलेट करिए, बिकॉज दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसलिए C की वैल्यू हम सब जानते हैं। बट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और V का भी तो बेटा हम आंसर जानते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट्स के बीच में E होगी तो V की वैल्यू क्या होती है? कई बार हम इसको यूज़ कर चुके हैं, E इंटू डी। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। Therefore U will be equal to 1/2 C की जगह पर देखो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू वी स्क्वेयर। वी की जगह पे ई इंटू डी लिखेंगे, स्क्वेयर कर देंगे, ई स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर अपॉन ए इंटू डी। इसको हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ए इंटू डी। बेटा ध्यान से देखें, ए से ये ए पूरा कैंसल हो गया, इस डी से इसका एक डी कैंसल हुआ, और बचा हुआ जो एक डी है वो इससे कैंसल हो गया, ठीक है। इस तरह से स्मॉल यू का फॉर्मूला क्या मिला? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आ गया समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का। तो किसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व? समांतर प्लेट संधारित्र में एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा स्टोर होगी एक वॉल्यूम में, उस ऊर्जा को हम बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। याद रख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी कहीं पर भी आपको मिल जाए, आप याद कर लें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। और इस तरह से कैलकुलेट करके हम ऊर्जा घनत्व की वैल्यू निकाल करके ले आए, ओके। तो अब आपको ऊर्जा घनत्व भी पता चल गया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, ऊर्जा घनत्व का यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या रहेगा ऊर्जा घनत्व का? मात्रा क्या होगा? बिकॉज दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही से आप इसकी यूनिट पता लगा सकते हैं। एनर्जी का यूनिट जूल, तो इसकी जगह मैं जूल लिख दूंगा, अपॉन वॉल्यूम। आयतन का मात्रक क्या होता है?
मीटर क्यूब। तो ऊर्जा घनत्व का मात्रक होगा जूल पर मीटर क्यूब। इसे भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, उसका यूनिट क्या होगा, ये हमने सारी चीज़ें आपको बता दी। हाँ, एक चीज़ अभी मैंने नहीं बताई है, उसको भी हम लोग ज़रा कर लेते हैं, कि अगर प्लेटों के बीच कोई के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा है, हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो अगर प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे, उस समय टोटल एनर्जी कितनी होगी, उस समय एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, ये दोनों चीज़ें अभी हमने नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो मैंने क्या किया, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के मान लिया। तो कुल ऊर्जा का क्या फॉर्मूला रहेगा, आप जानते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने से क्या होता है, आप सभी बच्चे देखे थे कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने से दोनों प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो घट जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस धारिता बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती थी बेटा, तो अगर धारिता पहले सी है तो के गुना बढ़ जाती थी, सभी बच्चों को याद आया होगा, अभी पिछली क्लास में हमने डाई इलेक्ट्रिक्स को किया है, के गुना बढ़ जाती है, तो एनर्जी भी जो होगी वो भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कुल ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है। के कहाँ पर आएगा, के तो सी को ही के गुना बढ़ा देगा ना, तो के तो सी के ही साथ आ जाएगा, इसलिए कुल ऊर्जा मतलब यू का जो फॉर्मूला आएगा वो बन जाएगा 1/2 के सी वी स्क्वायर। दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि वो धारिता को के गुना बढ़ा देगा, और एनर्जी डेंसिटी को क्या करेगा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, ऊर्जा घनत्व के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको, तो ऊर्जा घनत्व को भी देखिए बेटा, ऊर्जा घनत्व में भी तो सी ऊपर ही है, अगर सी ऊपर है तो के तो हमेशा सी के साथ मल्टीप्लाई में आता है, तो ये के भी कहाँ आएगा, ऊपर। अब जब के ऊपर आएगा तो फॉर्मूला ये कट पिट के बनेगा, लेकिन के यहाँ पर बना रहेगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वेयर। तो अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो उस समय टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहेगा, और ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला ये आपका बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि के जब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उसकी धारिता के गुना बढ़ जाएगी। अब अगर धारिता के गुना बढ़ जाएगी तो के तो धारिता के ही साथ लगेगा, यहाँ पर भी अगर ऊर्जा घनत्व की बात करें तो भी के न्यूमरेटर में रहेगा, ऊपर रहेगा। कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है, उसमें भी सी के साथ ही के आएगा, तो हाफ के सी वी स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा। टोटल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, ओके। अब ये आपका एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब हम लोग एक छोटा सा आर्टिकल और ये देखना चाहते हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और देख लें बेटा, कि समांतर प्लेट जो संधारित्र हमने बनाया, हम शुरू से बात कर रहे हैं संधारित्र क्या होता है। तो हमने शुरू से आपको बताया कि संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम स्टोर करते हैं, संधारित्र एक प्रकार का कैपेसिटर, एक प्रकार का स्टोरेज है हमारा। क्या स्टोर करता है, आंसर है दो चीज़ें स्टोर करता है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर करता है, और एक चार्ज भी स्टोर करता है। हम चार्ज भी तो उसमें कंप्रेस करके भरते थे। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर में हमने
क्या क्या स्टोर किया है? हम ये देखना चाहते हैं व्हाट ऑल वी हैव स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या आप यूं कह दें कि कैपेसिटर में हमने क्या क्या स्टोर किया है इन कैपेसिटर। तो व्हाट ऑल वी हैव स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में हम क्या क्या स्टोर किया है, हमने क्या क्या स्टोर किया है उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो आपको मैंने बताया कैपेसिटर में वी स्टोर एनर्जी एज वेल एज चार्जेस। इन एनी कैपेसिटर वी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज चार्जेस। क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी कैपेसिटर में वी स्टोर, हम एकत्र करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा और चार्जेस भी, दोनों चीजें एकत्र करते हैं। कितना चार्ज हमने एकत्र किया है उसको देखें। चार्ज के लिए बेटा हमारा एक फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी, ओके। और अगर ये एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और वी का फॉर्मूला क्या होता है? वी का फॉर्मूला होता है ई इन टू डी, या आप वी ही लिखा रहने दें। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र में हमने इतना चार्ज स्टोर किया। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कितनी स्टोर की उस पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू इज इक्वल टू, अभी हमने बताया हाफ सी वी स्क्वेयर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने स्टोर की है हाफ सी की जगह पर। इफ दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता का सूत्र एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वेयर, इतनी हमने एनर्जी स्टोर की है। तो आपने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र में हमने चार्जेस भी स्टोर किए, उनको कंप्रेस कर करके विद्युत ऊर्जा की फॉर्म में, सॉरी विद्युत ऊर्जा को कंप्रेस्ड चार्जेस की फॉर्म में हमने स्टोर किया। तो एक कैपेसिटर में हमने चार्जेस भी स्टोर किए, कितने? सी इन टू वी। इफ दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सो सी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी एन इन टू वी, दिस मच चार्ज आई हैव स्टोर्ड एंड हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैव स्टोर्ड। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए 1/2 सी वी स्क्वेयर, सी के लिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वी स्क्वेयर हमने यहाँ कर दिया। तो हमने एक कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी स्टोर किए हैं, कंप्रेस कर करके भरते जाते हैं, और इतने चार्ज स्टोर किए और इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की। एक छोटा सा पॉइंट बेटा और यहाँ लेना है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर के पास इतनी टोटल एनर्जी है, उसके पास इतनी एनर्जी डेंसिटी है, तो हम ये बात करना चाहते हैं कि जो ये कैपेसिटर है इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है कहाँ स्टोर होती है, वेयर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ लें, या आप समझ लें हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेयर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या मतलब हुआ? एक समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत ऊर्जा कहाँ इकट्ठी होती है? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव चार्जेस देते हैं क्यू,
यहाँ ये इंडक्शन फिनोमिना यूज़ करके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। दूसरी प्लेट को हम अर्थ से जोड़ देते हैं, ये सबको पता है। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ये। अब हम बात ही और यहीं पर हम चाहें तो डाइलेक्ट्रिक भर सकते हैं और अगर हम चाहें तो डाइलेक्ट्रिक ना भरें, ये हमारी मर्जी है। तो ये इतना इसका मैप होता है, आप सब जानते हैं। अच्छा, हमको ये देखना है कि इसकी एनर्जी स्टोर होती कहाँ है। क्या वो एनर्जी पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर होती है, क्या वो एनर्जी नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर होती है, या वो एनर्जी दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर होती है। तो आंसर है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो यहाँ पर होती है बेटा, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच में जो जगह होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। आप याद रख लीजिए इस पॉइंट को, मैं यहां पर लिख देता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच के रिक्त स्थान में विद्युत ऊर्जा के रूप में एकत्र होती है। विद्युत क्षेत्र के रूप में एकत्र होती है, देखिए बेटा मैंने क्या लिखा, समांतर प्लेट संधारित्र में जो विद्युत ऊर्जा है, हम कैपिटल यू या स्मॉल यू की बात कर रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच का जो ये रिक्त स्थान जो जगह होती है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के रूप में इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और अभी क्यों मैंने ऐसे बोला, मैं आपको बता देता हूँ। अभी अभी एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। आप देखें एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। तो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में कौन बचा, केवल ई बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। इट मींस जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ बाहर होता है, नहीं। क्या यहाँ बाहर होता है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों प्लेट्स के बीच में ही होता है, इसलिए जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो दोनों प्लेटों के बीच में जो जगह पड़ी है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर रहती है एनर्जी आपकी। ओके, हाँ, एक चीज़ इसमें, एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कभी आपने दोनों प्लेट्स के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया, इससे दोनों प्लेट्स के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो दोनों प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ में संचित हो गई है, एकत्र हो गई है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पदार्थ के भीतर बनेगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ही एनर्जी स्टोर है, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ बना, पदार्थ के भीतर, क्योंकि हमने क्या इसमें लगा दिया, मटेरियल भर दिया। मटेरियल भर देने से इलेक्ट्रिक फील्ड पदार्थ के भीतर होगा और उस समय कुल ऊर्जा पदार्थ के भीतर होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने फिल किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा परावैद्युत पदार्थ में स्टोर हो गई है। हम ये भी कह सकते हैं अदरवाइज रिक्त स्थान में जो विद्युत क्षेत्र है उसके रूप में एनर्जी स्टोर है। तो आज बेटा हमने क्या क्या देखा, प्लेट्स के बीच लगने वाले फोर्स को देखा, कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसको देखा, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है हमने इसको भी कैलकुलेट किया,
और एनर्जी स्टोर कहाँ पर होती है ये भी हमने देखा, और उसके साथ ये देखा कि कैपेसिटर में हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये बहुत ईजी था, सिंपल सिंपल से कैलकुलेशंस थे। आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम लोग अपने लेक्चर पे इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे पर अगले लेक्चर पर। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।